हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर रोज पोस्ट होने वाली समलैंगिक स्टोरी सुनते रहने के लिए। दोस्तों, आज हम बस कंडक्टर से मोहब्बत स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना तो उसे भी जरूर सुने, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में जाना कि कैसे विपिन अपनी फीलिंग्स को समझते हुए वीर को अपने साथ रिवर फ्रंट घुमाने ले जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय गुजारते हैं और वीर का तो एक सपना भी था कि वो अपने पार्टनर के साथ यहाँ आए और उसके साथ घंटों बैठकर रिवर फ्रंट पर बातें करे। यहाँ विपिन और वीर कपल तो नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे का साथ और सुकून भरा पल अच्छा लग रहा था। दोनों मानो एक कपल ही हों। दोनों अक्सर यहाँ आने लगे, दोनों यहाँ वक्त गुजारने लगे और ये हर दिन होता। जब भी वक्त मिलता, वीर और विपिन रिवर फ्रंट आ जाया करते। अब ऐसा अक्सर होता था, दोनों की दोस्ती अब काफी नजदीकियों में बदलने लगी। दोनों इस पल को साथ मिलकर एंजॉय किया करते हैं और साथ में आइसक्रीम खाना, गोलगप्पे खाना, भेल खाना, मतलब वो सारी ड्रीम्स जो वीर और विपिन के थे वो दोनों साथ कहीं ना कहीं जी रहे थे बिना किसी कमिटमेंट के। अभी तक इस रिश्ते को ये सिर्फ एक दोस्ती का नाम दे रहे थे। वीर को विपिन के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। घूमते घूमते विपिन कई बार वीर का हाथ भी पकड़ लिया करता है। दोनों को एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का केयर करना साफ महसूस होता है, साफ नजर आता है, लेकिन दोनों अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वीर को समझ में आ जाता है कि विपिन उसे पसंद करता है, लेकिन वीर इस बात को कन्फर्म करना चाहता था कि विपिन सच में प्यार करता है या नहीं करता, या उसका वहम है, क्योंकि प्यार तो साफ दिखाई देता था उसे। तभी वीर एक झूठा प्लान बनाता है ताकि विपिन की फीलिंग्स को, उसके दिल की बात को वो बाहर निकाल सके। अब वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। ज्यादातर वक्त अब एक दूसरे को ही देते हैं। अब वीर ये चाहता था कि विपिन इजहार कर दे। तभी वीर विपिन को कहता है कि वह उसे एक बात बताना चाहता है जो कि काफी पर्सनल है। वो कहता है कि विपिन, तुम मेरे सबसे करीबी फ्रेंड हो और मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। मैं तो अपने कॉलेज के फ्रेंड से भी ज़्यादा बातें नहीं करता जितनी बातें मैं आपसे कर पाता हूँ। अब विपिन कहता है कि बोलो वीर, क्या बात है जो तुम्हें कहने से पहले इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, सब ठीक तो है? विपिन सोचता है कि शायद अब वीर उसे प्रपोज करेगा और अपने दिल की बात जुबां पर लाएगा। वो उसका प्रपोज एक्सेप्ट भी कर लेगा, वो मन में सोच लिया होता है। इतने दिनों से साथ रहकर विपिन भी समझ गया था कि वीर उसे पसंद करने लगा है। विपिन वीर को कंफर्टेबल फील करवाता है और उसके दिल की बात सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। विपिन सोचता है कि शायद आज उसकी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा, प्यार की जो कमी थी वो फिर से पूरी हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा और खुशी का दिन होने वाला है। तभी वीर बहुत ही गहरी सांस लेता है और विपिन के बार बार पूछने पे वो बात बताता है और कहता है कि विपिन, मुझे किसी से प्यार हो गया है। विपिन के चेहरे पर चमक आ जाती है और एक मुस्कुराहट भी। वो श्योर होता है कि वीर अपने दिल की बात जुबान पर लाएगा। विपिन पूछता है कि अरे वाह, ये तो काफी खुशी की बात है, आखिर कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम्हें प्यार हो गया है? वीर कहता है कि आपके बस में हर रोज उससे मुलाकात हो जाती है। इतना सुनते ही विपिन शर्माने लग जाता है और उसी को देखने के लिए मैं आपके बस में सफर करता हूं। इतना सुनते ही अब तो पूरा यकीन हो जाता है विपिन को कि ये वही है। विपिन कहता है कि यार क्यों बात इतना घुमा फिरा कर कह रहे हो,
साफ साफ बताओ कि आखिर कौन है जिसके वजह से तुम मेरे बस में आते हो। तब वीर कहता है कि साक्षी नाम है उसका, मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, वही जिसके पीछे कई सारे लड़के हैं। आपके बस से ही वो कॉलेज तक आती है। इतना सुनते ही विपिन की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। अब उसकी दिल की धड़कन जो तेज थी वो एकदम शांत हो जाती है, उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, बेचारे का दिल जो टूट जाता है, सांसें थमने सी लगती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। विपिन की आंखों में आंसू आने ही वाले होते हैं, तभी विपिन आंसुओं को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो वीर को अपने आंसू और दुख नहीं दिखा सकता था, पर वीर ने उसका दुख देख लिया था। अब चेहरा पढ़ने के लिए तो ये सारी साजिश रची थी आखिर वीर ने। और फिर विपिन वीर से बहुत ही रूखे लफ्जों में बातें करता है, कहता है कि यार मुझे देर हो रही है, अब घर जाना होगा। वीर कहता है कि आपको अचानक क्या हो गया, अभी तो आप और मैं अच्छे से बैठना चाह रहे थे, बातें करना चाह रहे थे हर रोज की तरह, फिर क्या हो गया। विपिन कहता है कि नहीं यार, मुझे कुछ काम याद आ गया, तुम बताओ तुम चलोगे या फिर मैं निकलूं। वीर को अजीब लगा। अब वीर की नजरें विपिन के बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करती हैं। वीर मन ही मन सोचता है कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लग गया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि विपिन इतना ज्यादा रूड बिहेव करेगा, उसका दिल इतना ज्यादा टूट जाएगा। अब वो चाहता तो यहाँ पे सारी सच्चाई बता सकता था, पर पता नहीं वीर को क्या ही मस्ती सूझी, उसने वीर को और मतलब कि विपिन को और तड़पने दिया वीर ने। विपिन तुरंत जाकर बाइक स्टार्ट करता है और वीर के बाइक पर आने का इंतजार करने लगता है। फिर वीर कहता है कि ऐसा क्या बुरा कह दिया जो इतना बुरा लग गया। वीर मन ही मन सोचता है कि चलो देखते हैं विपिन आखिर क्या क्या करता है, किस हद तक जाता है। वीर को उसे परेशान करके मजा आ रहा था। विपिन वीर को लेकर गुस्से में बाइक बहुत तेजी से चलाते हुए घर की तरफ आने लगता है। रफ्तार इतनी तेज होती है कि वीर जो पीछे बैठा होता है घबरा कर बहुत कस के विपिन को पकड़ लेता है। रात हो रही थी और फिर उसकी बाइक का अचानक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। वीर कहता है कि आराम से चलो वरना हमारा मरना पक्का है। विपिन को पता नहीं कौन सा भूसवार था और क्या ही सदमा लगा था, वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, वो रास्ते में कुछ भी नहीं कहता, वो सीधे वीर के घर के सामने बाइक रोक देता है। जैसे ही वीर गाड़ी से उतरता है विपिन उसको बिना पलट कर देखे बिना कुछ बोले अपने घर की तरफ चला जाता है। वीर को अब पछतावा होता है कि उसे ऐसा झूठ नहीं कहना चाहिए था, उसे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वो अब विपिन को कॉल करके सॉरी कहकर सब बताने का सोचता है। वीर उस दिन बहुत कॉल और मैसेजेस करता है ताकि विपिन को सच बता दे, लेकिन विपिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अगली सुबह वीर सोचता है कि अब बस मैं ही जाकर विपिन से बात करूंगा और अपने दिल की बात उन्हें बता दूंगा, लेकिन जैसे ही वह बस में पहुंचता है विपिन आज वीर को इग्नोर करता है और उसके पास ही नहीं जाता, ना ही वीर को एक नज़र भी नहीं देखना चाहता, नज़र ही नहीं लगाता। वीर का मजाक अब वीर के लिए ही सजा बन गई थी। वीर विपिन को इस तरह से उदास और दर्द में नहीं देख सकता था, वीर भी विपिन से बिना बात किए एक पल भी नहीं रह सकता था। वीर को भी अब बहुत गिल्ट हो रहा था। पूरा दिन कॉलेज में वीर सिर्फ विपिन के बारे में ही सोचता रहता है। अब जैसे ही वो कॉलेज से घर लौटता है वो मन में सोचता है कि अब जैसे ही विपिन रात में घर आएगा वो उसके घर के बाहर ही इंतज़ार करेगा उसके आने का और उसको सच बता देगा, क्योंकि अब दूरी वीर को भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे ही रात के 9 बजते हैं विपिन के आने का वक्त होता है, वीर पहले ही जाके उसके घर के बाहर खड़ा रहता है। विपिन जब घर पर आता है वो उसे देख लेता है पर वो इग्नोर करता है वीर को। वीर घर के बाहर खड़ा होकर के उसका इंतजार करता हुआ उसे अंदर जाते हुए देखता है। वह चुपचाप जाकर कमरे का ताला खोलता है और अंदर जाने लगता है। वीर भी ढीठ था, वो पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। वीर कमरे में जाते ही कमरा अंदर से लॉक कर देता है। विपिन वीर से पूछता है कि ये क्या तमाशा है, ऐसा क्यों कर रहे हो।
वो भी इतने रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विपिन वीर से पूछता है। रवि कहता है, वीर कहता है कि आपके लिए ही तो आया हूँ, और किसके लिए आऊँगा। विपिन पूछता है कि गर्लफ्रेंड के पास जाओ ना, मुझसे मिल करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी है जिसे तुम प्यार कर सकते हो। यार मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मन अच्छा नहीं है। वीर विपिन की बात सुन के हंसने लगता है। विपिन कहता है कि इसमें हंसने जैसा क्या है, क्यों हंस रहे हो ऐसे, जाओ जाओ यार, जिसे प्यार करते हो उसको वक्त दो, मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान ही रहने दो, गर्लफ्रेंड को कॉल कर लो, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। और वीर फिर जोर जोर से और हंसने लगता है। वीर कहता है कि इधर पास आओ, आप मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। विपिन कहता है कि यार मुझे नहीं आना तुम्हारे पास, ना कोई चीज़ देखनी है। वीर कहता है कि प्लीज़ आओ तो सही। तब विपिन वीर के पास आ जाता है क्योंकि वो रिक्वेस्ट करता है। वीर कहता है कि और पास आओ। विपिन थोड़ा और पास आ जाता है। वीर कहता है कि अब आंखें बंद करो। विपिन मना कर देता है। फिर वीर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ पास आ जाओ और आंखें बंद करो। तो विपिन पास आता है और आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही विपिन आंखें बंद करता है, वीर उसके होठों को चूम लेता है और माफ़ी मांगता है। विपिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ। वो कहता है कि ये कैसा मजाक है। वीर कहता है कि अच्छा, मजाक में कोई भला होठों पर किस करता है क्या, जब मुझसे दूर दूर जाओगे तो मैं किसके पास जाऊंगा, मेरे शब्दों को देखा, मेरे दिल को नहीं देखा। विपिन कहता है कि जाओ यार, अपनी गर्लफ्रेंड के टाइम दे दो, यहाँ पर दोस्त के चक्कर में तुम बाकी रिश्ते ना खराब कर डालो। तब वीर कहता है यही तो बताने आया था कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वही मुझसे रूठ बैठा है, भला मैं किसी और को क्या ही मनाऊँ जिसे प्यार करता हूँ जब वही दुखी है। अब विपिन के चेहरे पर गुस्सा और परेशानी गायब हो जाती है, वो समझ जाता है और फिर रोते हुए वीर को हक कर लेता है और कहता है कि यार सच बोलो, गर्लफ्रेंड है या बस झूठ बोल रहे थे तुम। वीर कहता है कि अगर झूठ नहीं बोलता तो शायद ये जो एहसास मुझे अभी हो रहा वो ना होता, और ये ना पता चलता कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। खैर मुझे शुरू से पता था कि आपको लड़के पसंद हैं और आप मुझ पर जान छिड़कते हो, क्या नज़रें नहीं पड़ सकता था मैं, ऐसा कंडक्टर जो इतना प्यारा है, इतना हैंडसम है, उसकी नज़रें मुझ पर होती थी, स्माइल करते रहते थे, तो मुझे आइडिया तो था, पर ज़ुबान पर जब तक ये बातें नहीं आ जाती भला मैं कैसे ही मानता। मैं चाहता था कि आप बोलो मुझसे ये बात, पर इतने वक्त हो गए थे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप सिर्फ बेबाक मोहब्बत से खुश थे, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए था और आपकी खामोशी की वजह से कुछ मिल ही नहीं रहा था। तब विपिन कहता कि सब कुछ मिलेगा, पर मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में तो कभी नहीं बताया ना तुम्हें, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे। उसी के बुरे अनुभव की वजह से मैं चाहता था कि तुम मुझे प्रपोज करो, क्योंकि पहले रिश्ते से बहुत कुछ सीखा था मैं। वीर कहता है कि देखिए मुझे आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं, ना कोई मतलब ही नहीं है, मैंने इतने दिनों की दोस्ती में आपके साथ वक्त गुजारने पर आपको काफ़ी जान लिया है, और सच कहूँ तो आपसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है, बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, मेरे घर में भी सभी को पता है कि मैं एक समलैंगिक हूँ, एक गे हूँ, उन्होंने कहा है कि कॉलेज पूरी होते ही और जब मैं सेटल हो जाऊँगा, जॉब मिल जाएगी, तो मैं अपने मुझे खुद के लिए पार्टनर चुनने की आज़ादी होगी। विपिन कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम फैमिली को पता तो है कि तुम्हें चाहिए क्या, कैसी ज़िंदगी चाहिए, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है पर वो मुझे फोर्स नहीं करते हैं, मैं भी सबको समझा लूँगा, वैसे उन्हें भी मेरे बारे में पता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे गांव में मेरे एक्स और मेरे रिश्तों के बारे में चर्चे थे, कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। और फिर वीर विपिन को किस करता है और फिर विपिन को बहुत ज़्यादा प्यार देता है वीर, दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ प्यार भरे वक्त बिताते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के लिए तड़प और सब्र का फल उन्हें फाइनली मिल जाता है। इतने सारे इम्तिहान के बाद दोनों अपनी अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसते हैं। विपिन कहता है कि यार वो सब तो ठीक है, पर एक बस कंडक्टर से प्यार करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वीर कहता है कि मैं आपसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ,
और हर किसी को बता सकता हूँ, वो भी फ़ख्र से कि आप मेरे पार्टनर हो और आपसे मैं प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि प्यार में कभी भी किसी की औहदे को देखा जाना चाहिए, आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, आप इंसान अच्छे हैं और वो काफ़ी है। बाकी हम मिलजुल करके बाकी की ज़िंदगी तो खुशी से जी ही सकते हैं अगर हमारे बीच प्यार है तो। अब विपिन वीर को गले से लगा लेता है उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर, और दोस्तों इस तरीके से दोनों लवर सारी दुनिया से नाता छोड़कर एक दूसरे के साथ नाता जोड़कर दूरियां मिटाकर हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी साथ बिताने का वादा करते हैं। और इसी तरह दो समलैंगिक प्रेमियों की इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों स्टोरी कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल सुबह 5 बजे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मौसम बदल रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, नीले का ढेर सारा प्यार, हैव अ गुड डे, लव इज लव।